नो बेहतरीन पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो इन स्टॉक्स को ऐड करने का सही समय आ गया है। करेक्शन के बाद, हाँ जी, मार्केट में करेक्शन आई, सभी लोग उससे एक बार डरे। डरने के बाद क्या हुआ, मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे आ गई है। निफ्टी भी ऊपर जाएगी, 19,000 के लेवल को टच करेगी निफ्टी, नोट कर लेना। बट अभी हम स्टॉक्स की बात करें, ये स्टॉक्स ऐसे लेवल पे आ गए, अट्रैक्टिंग बाय लेवल बोलते हैं जिसको, दोबारा एंट्री करने का मौका मिल गया है। पहले जो स्टॉक भाग गए थे काफ़ी ऊपर, दोबारा एंट्री करने का समय आ गया है इनके अंदर। मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं मनी मंत्रा के एक और वीडियो में, एक और एपिसोड में। हम डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेड के बेहतरीन मौके, जहां पे आपका पैसा आपके लिए ज़्यादा पैसा कमा के ला सकता है। पोजिशनल इन्वेस्टमेंट, कि हम कुछ समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दें, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, जहां पे जल्दी पैसा बनेगा। पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक, आप स्टॉक्स के नाम देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इन स्टॉक्स के अंदर पोटेंशियल है। और स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स रिपीट भी हो सकते हैं, पर कुछ स्टॉक मैं नए लेकर आया हूँ आपके लिए जो बेहतरीन है। अभी डिस्कस करते हैं फायदे का सौदा दोस्तों, जहां पे आपका पैसा आपके लिए ज्यादा कमा के ला सकता है। पहला स्टॉक, तत्व चिंतन फार्मा। तत्व चिंतन फार्मा में जिस दोस्त को आईपीओ नहीं मिला, उस दोस्त के लिए बेहतरीन मौका है फिर से एंट्री लेने का। अभी आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, देखो यहां पे आपको सीखने को भी मिलेगा। और मैं उन दोस्तों को साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो पहले बार चैनल पे आए ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि यहां पे आपको ना बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट और रेगुलर अपडेट। आज की डेट में हमारे चैनल को 4,000 यूनिक लोग देखते हैं, बट सब्सक्राइब केवल 500 लोगों ने किया है। तो उन 4,000 लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आ रहे हैं सर, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में पैसा नहीं लगता है। ये देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं बुलिस हरामी। ग्रीन कैंडल ने लास्ट दिन की रेड कैंडल को पूरा कंप्लीट खा लिया है। बुलिश हरामी पैटर्न है, स्टोकैस्टिक्स आरएसआई अपटिक में है। यहाँ से ये स्टॉक आपको 2800 से 3100 और 3500 के लेवल दिखाने वाला है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। इस शेयर का नाम है तत्व चिंतन फार्मा। बहुत से लोग अप्लाई किया था जब आईपीओ काफ़ी टाइम सब्सक्राइब हो गया था, लोगों को नहीं मिला था। राइट टाइम ऑफ एंट्री यही है तत्व चिंतन फार्मा में। नेक्स्ट इज विमता लेबोरेटरीज। विमता लेबोरेटरीज को देखो, यहाँ मैंने डेट भी डाली हुई है, 4/10/2021 को पहले भी दिया था मैंने इस वाली कैंडल पे। ये जो 4/21 की कैंडल है ना, एक दिन को इस वाली कैंडल पे ही दिया था कि देखो यहाँ पे राइट एंट्री का टाइम आ गया यहाँ से। अब वो स्टॉक उस दिन क्लोज हुआ था 292 पे, उसके बाद स्टॉक ने 330 का बना दिया है। हमने उस दिन 336 के टारगेट रखे थे, तो 330 इसने बना दिया है, तो इसने ऑलमोस्ट हमारा पहला टारगेट है वो टच कर दिया है। बट मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो स्टोकैस्टिक्स आरएसआई है, ये देखिए, ये बिल्कुल वो लेवल आ गया है जहाँ पे राइट टाइम ऑफ एंट्री है कि हाँ इस दिन एंट्री ले सकते हो। आपका जो है स्टॉक अब 20, 50, 100 और 200 EMA के ऊपर आ गया है। ये मैंने लाइन लगाई थी कि इसको ऊपर ट्रेड करेगा तो एंट्री लेंगे वापस से, तो ये एंट्री का टाइम आ गया है। 324 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 320 के आसपास अगर एंट्री मिल जाती है तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। 360 से 400 तक के टारगेट आपको नियर फ्यूचर में मिल जाएंगे दोस्तों, 360 से 400 रुपए के टारगेट, ये मार्क कर दिया लाइन सबने, ठीक है जी। उसके बाद है टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड। टीसीआई में आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, ये पैराबोला दिखा देता हूं, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया यहां पे फर्स्ट टाइम, ये लीजिए, ये सपोर्ट लिया इधर, उसके बाद फिर से ये लिया इधर। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा दूं, ये देखिए इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे आज के दिन में कन्फर्मेशन आई कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। अभी स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, 1835 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। वॉल्यूम भी आपको मैं दिखा दूँ कि वॉल्यूम्स कितने दिनों के वॉल्यूम्स के बाद अच्छा वॉल्यूम आया है। ये जून के बाद, देखो जून मई महीने के बाद ये वॉल्यूम अब आए हैं इतने सारे,
तो वॉल्यूम पे है ना हमेशा नजर रखनी चाहिए हमें कि वॉल्यूम कहाँ रहे। इतने वॉल्यूम्स देखो, इतने वॉल्यूम ना रिटेलर्स नहीं ला सकते, ये किसी इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर एंट्री ली है तभी इतना वॉल्यूम आया। रिटेलर्स इतने वॉल्यूम नहीं ला सकते। हाँ हो सकता है जब सारा देश एक तरफ चलने पर लग जाए ना तो शायद वो आ जाए वॉल्यूम। तो अभी तो इंडिकेशन ये है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर एंट्री ली है, तो आप भी ले लीजिए एंट्री। बड़ा इंस्टीट्यूट कुछ सोच समझ के एंट्री ले रहा होगा ना, तो आप भी इसके अंदर 2,000 रुपये से लेके 2,400 रुपये तक के टारगेट के लिए आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो दोस्तों, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज रैमको सीमेंट, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। अभी देखो एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, सपोर्ट सपोर्ट देखिए, ये सपोर्ट नहीं तोड़ी, नीचे नहीं गया वापिस से, ये सपोर्ट नहीं तोड़ी, नीचे नहीं गया, ऊपर जाने की कोशिश करी। ये रेजिस्टेंस है इसके लिए, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, ये भी एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये जो सपोर्ट थी, तीसरी बार उस सपोर्ट को इसने फिर से सपोर्ट बनाया है। या एंट्री मिस होगी तो यहाँ ले लीजिए, 1,000 रुपये के आसपास एंट्री है। देखिए राइट टाइम ऑफ एंट्री का आ गया, आ गया ना राइट टाइम ऑफ एंट्री। तो मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ कि स्टॉक के अंदर पैसा तो सबको पता है कि सस्ता खरीदने और महंगा बेचने से पैसा बनता है, बट क्या सबको पता है कि कौन सा टाइम एंट्री का है, कौन सा टाइम इस स्टॉक में एंट्री का है? तो दोस्तों वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा टाइम इस स्टॉक में एंट्री का है। हाँ रैमको सीमेंट में ये टाइम एंट्री का है, अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया था तो। अभी आप एंट्री लीजिए, 1,070 से लेके 1,150 तक के टारगेट आपको नियर फ्यूचर के अंदर मिल जाएंगे रैमको सीमेंट। नेक्स्ट स्टॉक इज खादिम, खादिम इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक का स्टॉप लॉस मैं पहले बता देता हूँ, 257 का रखना है हमने। अभी अभी स्टॉक अभी 304 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म में आपको 350 से 400 रुपये के टारगेट इस स्टॉक के मिल सकते हैं आपको। ये हमारा पाथ ऐसे बनेगा जी, हल्की सी करेक्शन आ सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन नहीं प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर 400 तक जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। नोट करके रखना दोस्तों, स्टॉक का नाम है खादिम इंडिया। नेक्स्ट स्टॉक इज GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा वन ऑफ द बेहतरीन स्टॉक। इस स्टॉक की ऑप्शन कॉल ने अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में ही किसी क्लाइंट को 45,000 रुपये एक दिन में बना के दिए थे। हाँ जी 45,000 रुपये एक दिन में बना के दिए थे, GMR की 40 की कॉल बाई की थी हमने। तो अभी मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे रिवर्सल ले लिया इसने 39 रुपये के ऊपर, हम स्टॉप लॉस 38 का रख रहे हैं, स्टॉक अभी 41 रुपये पे है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। उम्मीद करते हैं कि स्टॉप लॉस को टच करने नहीं आएगा, ये ऊपर ही जाएगा। ये देखिए राइट टाइम ऑफ एंट्री, बिल्कुल एग्जैक्टली वो टाइम जहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। स्टॉक नेम इज GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, 41 रुपये पे है, 50% 60 के टारगेट शॉर्ट टर्म में है। लॉन्ग टर्म के दोस्तों के लिए जिन्होंने 30 रुपये पे मेरे साथ बाई किया था उनके लिए 60 रुपये पे पैसा डबल होगा, बट यहाँ पे हमको उम्मीद है कि पैसा यहाँ से डबल नहीं, ट्रिपल से लेके 5 टाइम तक होगा। GMR इंफ्रा नोट करके रखना दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक इज इंडिया सीमेंट, सीमेंट सेक्टर का एक और स्टॉक। ये असेंडिंग ऑर्डर का ट्रायंगल है, मैंने काफ़ी टाइम अपने वीडियो में बताया कि असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न। यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखा रखी है, ट्रेंड लाइन में क्या हुआ है, ये यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, ठीक है जी, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहा स्टॉक, ये भी ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद ये सपोर्ट लेके वापिस जा रहा है, ये बिल्कुल वो टाइम आ गया कि ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करने वाली है अभी, और क्रॉस करके ऊपर जाएगी। स्टॉक क्या 6 RSI अपटिक में है, तो ये स्टॉक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें 210 से लेके 225 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर, ठीक है जी। ये स्टॉक था इंडिया सीमेंट। नेक्स्ट स्टॉक इज अंबुजा सीमेंट, सीमेंट सेक्टर का एक और स्टॉक। डाउन पैटर्न था, डाउन पैटर्न को ब्रेक करके ये इसने एक कल के दिन में हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद फॉलो अप कैंडल ग्रीन आई, ये क्या बन गया, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं दोस्तों इसको, ये रिवर्सल पैटर्न है, डाउन ट्रेंड का रिवर्सल हो गया यहाँ पे। लर्निंग्स, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सिखाने की।
तो डाउन ट्रेंड का रिवर्सल आ गया यहाँ पे। कंफर्मेशन कहाँ से आई? ये RSI स्टोकैस्टिक्स ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है यहाँ पे, राइट टाइम ऑफ एंट्री। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको वो एंट्री का टाइम बताऊंगा कि कहाँ पे स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हो। 380 रुपये एंट्री लेके 400, 420, 440 के टारगेट आपको नियर फ्यूचर में मिल जाएंगे स्टॉक से। स्टॉक नेम इज अंबुजा सीमेंट। नेक्स्ट स्टॉक इज BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। रीज़न क्या है वापस ऐड करने का कि हाँ ये भी, ये देखिए वैसे इसको अंदर मैं आपको चीज़ें बना के दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये करो बना, अरे ये क्या कर दिया, ये लाइन यहाँ लगाइए आप, ये कर्व को उठा के आप इधर लेके जाइए। बना सर कर्व, कर्व का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद इसने टच किया है 20 EMA को, 20 EMA को ब्रेक करके नीचे नहीं गया स्टॉक। उसके बाद क्या हुआ है, स्टॉक अब जो इसका सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है 71 रुपीज़ के आसपास। तो अभी क्या हो सकता है, अभी इसके अंदर आप 80 से 90 रुपये के टारगेट के लिए आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा मिड टर्म में जाएंगे तो 110 के टारगेट इसके अंदर हैं। दूसरा कन्फर्मेशन कहाँ आ रही है, ये देखिए स्टोकेस्टिक्स रेड लाइन को ग्रीन लाइन कर क्रॉस करने वाली है आज, बिल्कुल नेक टू नेक है। तो मतलब राइट टाइम ऑफ एंट्री बता रहा हूँ आपको कि जहाँ पे आपको एंट्री का सही समय है। तो दोस्तों ये वो स्टॉक थे, 9 स्टॉक्स, बेहतरीन स्टॉक जहाँ पे आपको एंट्री का राइट टाइम मिल गया है। तो आप अपने पैसे को किसी एक स्टॉक में ना डाल के डाइवर्सिफाई तरीके से ही इन्वेस्ट करना दोस्तों। ये थे आपके फायदे की चीज, आपके फायदे का सौदा। थैंक यू बोलने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो दोस्त हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री डीमेट अकाउंट है आई ट्रेड प्राइम एंजल ब्रोकिंग का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से अपनी डिटेल्स डाल के अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। हार्डली 5 मिनट लगती है डीमेट बनाने में दोस्तों। डीमेट बनाने के बाद इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना मुझे अपना, मैं आपको प्राइम ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी मंत्रा। मैं उन सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे साथ, जिन्होंने चैनल को भरोसा करके सब्सक्राइब किया है। मैं आपके भरोसों की कोशिश करूँगा, कभी ना टूटने दूँ, और आपको हमेशा अच्छे से अच्छे स्टॉक, राइट टाइम ऑफ एंट्री, राइट टाइम ऑफ एग्जिट आपको शेयर करता रहूँ। और उन 4,000 दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग आगे वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने से नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप हेल्पिंग ईच अदर, थैंक यू।